आज की मांग 326 326। जो भी अच्छा इंसान या तो महामानव बनने चाहते हैं, जिसकी जिंदगी सदैव सुखमय सद्गुणमय बीते, ऐसी अभिलाषा है उन सभी के लिए आज का सुविचार अत्यंत उपयुक्त है। दूसरों की खूबियां और खुद की खामियां खोजने का और सुधारने का काम विरल व्यक्ति ही कर सकता है, कॉमन व्यक्तियों का ये काम नहीं है। मैं ऐसा बहुत बार सुन चुका हूं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को ऐसी आज्ञा दी कि सुनो बेटा युधिष्ठिर, कल तुम शहर में जाओगे और पूरे शहर में से सबसे निकृष्ट खराब व्यक्ति खोज के ले आना। वो चले जाने के बाद दुर्योधन को बुलाया और कहा, अरे ओ दुर्योधन, सुन, कल शहर में जाकर के सबसे अच्छी व्यक्ति ढूंढ के ले आना। दूसरे दिन अपने अपने टाइम पे दोनों निकल पड़े, पूरे शहर में घूम घूम के शाम तक में वापस लौटे। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के बड़ी दिलगिरी के साथ कहा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मुझसे बुरा इस शहर में मुझको कोई नहीं लगा। किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई मुझसे अच्छे थे और मुझ में कमियां थी। थोड़ी ही देर के बाद दुर्योधन आया और फुला न समाया, ऐसे ऐसे करके आकर के, गुरुजी काम हो गया है। क्या हो गया? मैंने पूरे शहर में ढूंढा लेकिन मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, जो भी काम हो बता दो, ये आपका चेला सब कुछ कर देगा। इसलिए ये बात सटीक लग रही है कि ये विरल व्यक्ति का काम है। क्या काम करना होगा? दूसरों की खूबियां और अपनी खुद की खामियां हम यदि खोज निकालेंगे और सुधार भी लेंगे। सुधारने का मतलब है दूसरों की जो भी हमने खूबियां ढूंढी हैं वो हमारे जीवन में जब तक न आ जाए तब तक स्व को सुधारने का काम चालू रखेंगे। हमारी खामियां हमको जो भी ज्ञात हुई है जब तक वे निकल न जाए तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। यदि गोपालानंद स्वामी, दादा खाचर, अर्जुन, उद्धव, गोपियां, नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसा हम सभी को बनना हो तो ये काम अवश्य करना होगा, नहीं तो दुर्योधन जैसे तो इस दुनिया में करोड़ों हैं। कितने हैं? करोड़ों। इवन सत्संग में भी अपनी कमी अपनी खामी बहुत छोटी लगती है और अपनी खूबी बड़ी लगती है वास्तविकता से, पर और दूसरों की खूबियां सामान्य लगती या तो दिखती ही नहीं और दूसरों की सामान्य खामी भी बड़ी सी बड़ी लगती है। वो ही हमारा अज्ञान है, हमारा विजन बिगड़ गया है। यदि हम सुधार सके तो हमारा जीवन सबसे अच्छा श्रेष्ठ बन जाएगा।